अगर आपके लिए ये सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वेट कीजिए, जिस दिन आप प्रॉब्लम में फंसेंगे आपके लिए कोई नहीं है। जब वो अलग अलग मसलों को लेकर प्रदर्शन करती है और उसकी कहीं कोई बात नहीं होती है, तब लगता है ये मीडिया बिका हुआ है। अरे मीडिया पहले से बिक गया है सर। सिख कम्युनिटी से एक और बात सीखनी चाहिए कि उसमें बिटरनेस नहीं है। 6 महीने में इस देश में बच्चियों के साथ 26 या 24 हज़ार बच्चियों के साथ रेप केसेस हुए हैं। कौन लोग किसी की बेटी के बारे में बुरा बोलेगा जो बदमाश हैं? तो हर सोसाइटी को ये चौकीदार का काम करना चाहिए कि ऐसे बुरे लोग ना हो। आपको आज समझ में नहीं आ रहा, कल आपको समझना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। डर कभी कभी लगता है, हम इंसान हैं, हर इंसान को डर लगना चाहिए, ऊपर वाले से भी, अपने ज़मीर से भी, कि कहीं गलती ना हो जाए। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. आप 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ विज्ञापन पे खर्च कर रहे हो, तो मैं जय जयकार क्यों करूं? कहीं ना कहीं दिखाया जाता है, एक तस्वीर दिखाई जाती है दिल्ली की सरकार की, जो कि आपकी सरकार है, कि इन्होंने स्कूल बना दिए, ये किया, वो किया। ये कहां तक सच्चाई है, और क्या ऐसा स्ट्रक्चर, अगर ये सच है तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर देश भर में बनाया जा सकता है? बन सकता है देश भर में, बनाने की जरूरत है। तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि भाई, जब आप, मैं अटलांटा गया था, वहां के सारे बच्चे, अगर हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बस आती है ले जाती है, ये सिस्टम यहां क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। वो तो वो सारा पैसा जो स्कूल एजुकेशन पे, ध्यान नहीं है हमारे नेताओं का, किसी भी राज्य में, किसी भी पार्टी की सरकार, तो ध्यान है किस नहीं है। ध्यान यही राष्ट्रवाद पे बहस चल रही है, जिसमें लोगों को कुछ पता नहीं है, जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़े हैं, लेकिन नेशनलिज्म पे बहस कर रहे हैं, पढ़ने का पूरा कल्चर ख़त्म कर दिया है। बहस हो रही है टीवी के जरिए, जो टीवी का एंकर गलत सलत आधी अधूरी जानकारी बता रहा है, वैसे वैसे लोग बैठ के राष्ट्रवाद पर लेक्चर दे रहे हैं, जिनकी स्क्रिप्ट रख के सामने पूछ दी जाएगी आपने कैसे लिखा है, तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब सबको छूट है, सरकार के समर्थन में कुछ भी बोलो आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, खिलाफ आपको दूसरे को ललकारते रहना है, बस खिलाफ मत बोलो। हाँ, तो लोगों को चिंता मेरे एंटी होने से नहीं करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि ऐसा क्या हो गया इस देश में कि सारे प्रो होके बैठे हुए हैं। क्या मीडिया को इस तरह से होना चाहिए? नहीं। ये बहुत खतरनाक साइन है उपेंद्र जी, कि जब मीडिया सवाल करना बंद कर दे, रिपोर्टिंग करना बंद कर दे, और इस तरह के डिबेट बिठाकर दो इंडिविजुअल को पूरे नेशनल लेवल पे गाली देना शुरू कर दे कि ये देशद्रोही हैं, है ना? तो बाहर में बैठे हुए जितने भी आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, उनको डरना चाहिए कि, और नहीं तो उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जिन मुल्कों में रह रहे हैं वहाँ भी ये शुरू हो जाए, जहाँ लोग हर दिन बैठ के उन पर डाउट करता फिरे कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आप इस देश से वफादार नहीं हो सकते हैं। मनाइए, जब अगर यहाँ के लिए सही है तो वहाँ के लिए भी सही है, जब वहाँ के लिए सही नहीं है तो ये दुआ कीजिए और आवाज़ उठाइए वहाँ दूर से कि यहाँ ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। हम अगर बड़े डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं तो हमारा मीडिया वाइब्रेंट होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना कि गैंग की तरह बिहेव करना चाहिए कि चार लोगों को लेबल करके वो दिन भर गाली देता रहे, ये ठीक नहीं है। इसमें आप क्रिएटिव होके काम नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए, 6 साल हो गए इनकी सरकार के, 5.5 साल, बिजनेस के क्या हाल है? अब बिजनेसमैन से पूछिए तो कहते नहीं, हमें डर लगता है, हम नहीं बोलेंगे जी। तो सब कोई डर रहा है, जिसके पास करोड़ों रुपए का बिजनेस है वो भी डर रहा है, हम फकीर लोग हैं हमें भी डरने की आप बात कर रहे हैं, तो डर तो खुश कौन है, वही जो इनकी भीड़ में है। तो रवीश कुमार का जो, आपकी जो नाराजगी है, वो जो करंट मीडिया है, मीडिया के साथ है या सरकार के साथ है या उन लोगों के साथ है जो सवाल पूछती नहीं है? मुझे तीनों से है, तीनों से है कि ये मीडिया इस तरह का कैसे हो सकता है। आप खुद चैनलों को देखिए ना, मैंने तो कहा है कि टीवी ना देखें, आप खुद देखिए, कोई एक चैनल उठाकर देखिए कि किस तरह से सरकार की भोंपूगिरी हो रही है, देखिए उसमें किस तरह से कम्युनल बातें फैलाई जा रही हैं, देखिए उसमें, और आप देखिए कि कब ये जनता के सवाल पे बहस कर रहे हैं, कब ये सवाल सरकार से कह रहे हैं कि जनता परेशान है, ऐसा क्यों हो रहा है आप बताइए, आपको इसी जनता ने इतना वोट दिया है, आपको फर्क पता चल जाएगा। और सरकार की तरफ से जो लोग नए एंकर निकाले गए, उसके दबाव में निकाले गए, यही आया कि वो मीडिया कॉन्क्लेव होता है तो मंत्री कहता है कि हम नहीं जाएंगे, उसके बदले में कोई एंकर निकाल दिया जाता है, कोई एडिटर निकाल दिया जाता है, तो पिछले दिनों खूब छपी हैं ऐसी बातें, खूब छपी हैं। तो हमें क्या ऐसा देश चाहिए था? तो मैं तो सोसाइटी से पूछता हूँ कि आप कैसे चुप रह सकते हैं? अगर आपके लिए ये सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वेट कीजिए, जिस दिन आप प्रॉब्लम में फंसेंगे आपके लिए कोई नहीं आएगा, और ये हो रहा है।
अभी आप देखिए कपूरथला में क्या हुआ, कपूरथला में रेलवे को लेकर जो भी प्रोटेस्ट हुआ वो लोग व्हाट्सएप बना के आपस में घुमा रहे, लेकिन कोई मीडिया उसको नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ, मान लीजिए मैं सरकार के खिलाफ हूं, वो जनता भी सरकार के खिलाफ होगी जिसने सरकार को अभी वोट दिया है, वो भी सरकार के खिलाफ होगी। तो इसका मतलब जो भी सरकार के खिलाफ है मतलब वो देश के खिलाफ है। वो तो नॉर्मल प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी में कि किसी को पता चला मेरी फैक्ट्री बिकने वाली है या कॉरपोरेट उसको कॉरपोरेशन में बदलना है, उसका नेचर बदल रहा है, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्यों नहीं दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। अभी गुरदासपुर में प्रोटेस्ट हुआ, अभी होशियारपुर में, जालंधर में, कल की बात मैं बता रहा हूँ, वो सारे लोग मुझे एसएमएस कर लेंगे जी मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो मीडिया नहीं दिखाएगा, पहले ये सारी चीजें दिखाई जाती थी, अब नहीं दिखाते, अब सारे गायब हो गए। तो जनता जब भी आवाज उठाती है मीडिया उसको गायब कर देता है। तो ये डिसाइड कर लेना है लोगों को कि ये जो मीडिया है वो जनता को गायब करने का प्रोजेक्ट है। तो फिर जनता करे क्या? आप तैयार, तो आप सवाल कीजिए, आप मेरे साथ खड़े रहिए, मेरी तरफ आइए। आपने वोट दे दिया, आपका काम खत्म, एक दिन का काम था, एक मिनट का काम था, तो अब आप मेरी साथ, मेरी तरफ खड़े रहिए, आप उनकी तरफ मत खड़े रहिए। तो मैं, जो आईटी सेल के लोग और जो उस तरह की मानसिकता से प्रभावित होकर लोग जो भी गाली दे रहे हैं, जो भी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो अनडेमोक्रेटिक है, जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को, उसके फीलिंग्स को कुचल रही है, उसके खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। वहीं पर डांटिए, अपने फैमिली में डांटिए, फैमिली से शुरू कीजिए, और फिर बाहर मोहल्ले में आइए, मोहल्ले से शुरू करके आप अपने ज़िले में आइए, ज़िले से राज्य में आइए, राज्य से आप देश में आइए। अगर आप बैठे रहेंगे, पब्लिक अगर बैठी रहेगी, तो पब्लिक को पता नहीं है कि वो क्या गंवाने जा रही है। अब उसको पता चल रहा है, जब वो अलग अलग मसलों को लेकर प्रदर्शन करती है और उसकी कहीं कोई बात नहीं होती है, तब लगता है ये मीडिया बिका हुआ है। अरे मीडिया पहले से बिक गया है सर, आपके केस में नहीं बिका है ना, तो अब आपको केस में रियलाइज हुआ तो आप समझिए। तो जब तक वो रियलाइज करती है तब तक एक बड़ा सा बवंडर ला दिया जाता है पूरा, वो 50 चैनलों के जरिए एकदम हमला होता है राष्ट्रवादी कोई किसी टॉपिक का, एक कम्युनिटी को विलन बना लिया जाता है, एक आदमी को पूरा कम्युनिटी का विलन बना दिया जाता है, और डिबेट चल रहा है, और लोग घरों में बैठ के ये तो जी ऐसे होते हैं, वो तो जी वैसे होते हैं। तो रवीश कुमार या उन जैसे और भी जो पत्रकार हैं या और जो भी लोग हैं जो इन चीज़ों के खिलाफ बोलते हैं, खड़े हुए हैं, उनमें गट्स है, वो क्यों नहीं एक अपनी एक कोई पार्टी तैयार करते हैं? नहीं, ये तो ये तो समाधान नहीं है कि सब कोई पॉलिटिकल पार्टी में बन जाए। तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टी में खराबी आ रही है वो कौन बोलेगा? फिर उसके लिए भी तो मीडिया चाहिए ना। हम मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी बना लें और हम खराब करने लगे तो फिर कौन बोलेगा? उसके लिए तो मीडिया चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट मीडिया की रिक्वायरमेंट अलग है, अच्छी पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट अलग है। इन बुरी पार्टियों से भी लोग उम्मीद करते हैं कि समय समय पर ये अच्छी होती रहे तो लोग वोट देते रहते हैं, और अब देश बदल गया है। ये नॉर्मल नहीं है कि सिक्किम में भी सारे विधायक बीजेपी में चले जाते हैं, जो जहां है वो बीजेपी में चला जा रहा है। कुछ तो कश्मीर के बारे में है जो जो हम देखते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो कश्मीर के बारे में मैं बात करूंगा, कश्मीर का जो 370 जो आठ जो इन्होंने जो हटाया है, वहां पर बहुत सारे कश्मीरी जो न्यूज़ आ रही है वो नाखुश हैं, उनको पूछा नहीं गया। वहाँ पर आपको भी पता है मीडिया का ब्लैकआउट हुआ, इंटरनेट वगैरह, और बहुत सारी अभी एक न्यूज़ थी जहाँ पे कितनी लड़कियाँ जो फंसी हुई थी अपने घर वालों के पास वो जा भी नहीं सकती थी, तो उनको सिख कम्युनिटी ने उनकी मदद की। इस मामले में सिख कम्युनिटी का जवाब नहीं, सीखना चाहिए सबको लंगर लगा देने में, हेल्प करने में। ये चीज़ अगर रिलीजन से आती है तो मैं चाहूँगा कि सब रिलीजन में आए, सब रिलीजन में आए कि लोग खड़े हो जाएं उस वक्त, और जो सामने इंसान है ना। और आप सिख कम्युनिटी से एक और बात सीखनी चाहिए कि उसमें बिटरनेस नहीं है। उसने 1947 में सबसे ज़्यादा सहा जी, है ना, नुकसान, फिर 84 में सबसे ज़्यादा सहा, लेकिन इस कम्युनिटी में ना कुछ है, मैं हमेशा लगता है कि कुछ तो है कि इसमें बिटरनेस नहीं है, बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि ये सबसे बहादुर कौम मानी जाती थी। हम तो सेना का मतलब ही देखते थे, कोई सिख मिल जाता था तो लगता था ये तो आर्मी में होगा ही होगा, है ना, तो ऐसा ही मतलब समझते थे। तो कुछ तो है कि इसमें ये एक बर्मा तक चले जाते हैं, वो खालसा पंथ वाले चले गए सब, वो बर्मा में जाके पहली दो वर्ल्ड वॉर्स में, हाँ वहां जाके वो सीरिया तक चले गए थे वो लड़के। मुझे तो लगता है कुछ है इसमें मदद करने का जो जुनून है ना, और बहुत बहादुरी है। और उनमें एक और चीज़ है कि वो इनसिक्योर माइनॉरिटी नहीं है, वो बिल्कुल दूसरे तरीके से रहने वाली कम्युनिटी है। लोगों को सीखना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन ये
जो कश्मीर में हो रहा है इस वक्त, देखिए फिर वही बात है कि अगर हम किसी की किसी से बात ना करें और किसी की बात लोगों तक ना पहुंचाएं, सिर्फ एक यूपी, बिहार और राजस्थान, हिमाचल, रेस्ट ऑफ इंडिया जो भी है, मेनली हिंदी हार्टलैंड के ही ओपिनियन दिखते हैं हमें, तो बहुत कम दिखते हैं। कोई मेघालय से रिपोर्टिंग कर रहा है कि कश्मीर में जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के लोग खुश हैं, है ना। कोई नागालैंड से कोई रिपोर्टिंग कर रहा है कि यहाँ के लोग बड़े खुश हैं। तो अगर आप हिंदी चैनलों को देखें तो उसमें यूपी बिहार ही दिखता है आपका। तो यूपी बिहार के लोगों को आप गलत इन्फॉर्मेशन दे के आप उसको कैटर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो बड़े समझदार लोग हैं, एक दिन समझ जाएंगे वो लोग, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं तब तक बहुत बिल्कुल देर हो चुकी होगी। अगर आज कोई भी कश्मीर के मुद्दे पे बोलता है सरकार के खिलाफ, तो उसे ये कह दिया जाता है कि ये पाकिस्तान के साथ मिला हुआ। हाँ, वो कश्मीर ना हो तो भी, हाँ तो भी है ना, ठीक है। ये तो वो कहते आ रहे हैं ना, इसकी प्रैक्टिस वो बहुत दिनों से बैटिंग कर रहे थे कि छोटी छोटी बातों में बोले तो आप देशद्रोह हैं, अब करते करते अब कश्मीर ले आए। तो आधे लोग तो उसी से डर गए हैं, बोले। लेकिन क्या ये समाधान है जो इन्होंने किया है, उससे क्या ये समाधान होगा? लंबे समय में जाके देखना पड़ेगा कि पहले के जो तरीके थे उससे भी समाधान नहीं हुआ है, लेकिन जो करने का तरीका था वो तो साफ साफ गलत नजर आता है। लेकिन तो कोई राय नहीं है कि आप ऐसे पूरी कम्युनिटी को आप एक तरह से ह्यूमिलिएट कर दें और उसके पूरा स्टेट का स्टेटस घटा दें, उसको डिवाइड कर दें। भगवान जाने आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? इस शब्द का तो इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि क्योंकि जो न्यूज़, क्योंकि लोगों ने लिखा है उनकी बेटियों के खिलाफ, क्योंकि रवि जी, हाँ, क्योंकि उनकी बेटियों के खिलाफ जो लोगों ने लिखा है, बोलो तो गुंडागर्दी। हाँ, लेकिन जो हुआ है आप उसमें देखें कि जो संसद में भाषण हो रहा है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बोली जा रही हैं जिसको काउंटर किया जा सकता है। तो मिनिस्टर को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाषण और इन्फॉर्मेशन, सूचना में पवित्रता की बहुत ज़रूरत है। उसको फिर से बहाल अगर नहीं करेंगे तो स्पीच और इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ की सैंक्टिटी खत्म होती चली जाएगी और हमको मजबूरन गलत न्यूज़ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कश्मीर की बेटियों के बारे में कहा गया, पता है जो लोग भी खुश हो रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया। तो किसी की बेटी के बारे में कौन लोग आपके बीच में ड्राइंग रूम में, अगर हमारे एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जी, कौन लोग किसी की बेटी के बारे में बुरा बोलेगा? जो बदमाश हैं, बिल्कुल, है ना। तो आप किसी दूसरे की बेटी के बारे में बोलने की उनको इजाज़त देते हैं तो इसका मतलब है आप बदमाशी को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। हाँ जी, बदमाशी तुम कर सकते हो दूसरे की बेटी के नाम पर, तो क्या गारंटी है कि कल को वो सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में वैसा नहीं करेगा? तो हर सोसाइटी को ये चौकीदार का काम करना चाहिए कि ऐसे बुरे लोग ना हों। जनवरी से लेकर जुलाई के आखिर तक में या जून के आखिर तक में, 6 महीने में इस देश में बच्चियों के साथ 26 या 24,000 बच्चियों के साथ रेप केसेस हुए हैं। जहां ये मेंटालिटी हो वहां पर अगर कोई ये बात कहे कि उनकी बेटियों को हम ले आएंगे या उनके साथ ये वो करेंगे, तुरंत लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए। इसमें नुकसान मेजॉरिटी कम्युनिटी का है। उनकी बेटियों को तो आप नहीं ले ला पाएंगे, वो तो आप भूल जाएं, लेकिन आप अपनी बेटियों के लिए इनसिक्योरिटी के दरवाजे खोल रहे हैं ऐसी पॉलिटिक्स के साथ खड़े होकर, चिंगारी दे रहे हैं। हाँ, चिंगारी दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। सर, इसी देश में अभी आपने जो बात की बच्चियों की, चाहे वो उनाव का जो भी वहाँ पर हुआ हमें पता है, आसिफा के साथ क्या हुआ हमें पता है, और बहुत सारी बच्चियों के साथ हुआ। आज इस तरह की घटना आपने कनाडा में देखी है? कभी भी नहीं। कभी नहीं। आपने अमेरिका में देखा है? कभी नहीं, नहीं देखा। मतलब इतनी वही मैं शुरू से कह रहा हूं, इतनी मतलब इतनी बदतर हालत इस देश की हो चुकी है, तो क्या यहाँ पर इंसाफ की उम्मीद लगाई जाए? अगर जैसे आपने जो बात की थी जो 84 में हुआ, इंसाफ बहुत मुश्किल है। 84 का इंसाफ आज तक भी नहीं मिला, आज तक 2002 दिल्ली का में नहीं मिला, 2002 का नहीं मिला दिल्ली में, आज भी विधवा कॉलोनी, और ये शर्म की बात है देश के लिए, ये शर्म की बात है देश के लिए। रिपोर्ट करने के जी, आज भी मुझको विधवा कॉलोनी बोलते हैं, इंसाफ नहीं मिला, सबके साथ खिलाफ केसेस वापस ले गए। मुझे मुजफ्फरनगर का जी बिल्कुल दंगा हुआ 2013 में, जिसमें सबने अभी देखा, लाइव देखा लोगों ने, टेलीविजन पे देखा, पहले तो मान लीजिए खबरें नहीं आती थी, सब देखने के बाद ही सारे केसेस वापस ले लिए गए। तो कम्युनिटी के हिसाब से हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है दोस्त। हम इस तरह से, ये मजबूत हिंदुस्तान नहीं है, ये कुछ भीड़ का हिंदुस्तान है जो ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, आज समझ में नहीं आ रहा है, कल आपको समझना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो जर्नलिज्म, आपके अकॉर्डिंगली जर्नलिज्म इंडिया में तो बिल्कुल भी हमें पता है उसकी हालत क्या हो चुकी है, राइट,
बाहर के जो देश हैं जैसे अमेरिका है, कनाडा, इंग्लैंड है, वहाँ की जर्नलिज्म में अभी भी लॉयल्टी है, अभी भी वो प्योर है, काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा, अगर 100% नहीं है, कौन सी चीज़ें जो वहाँ से सीखनी चाहिए और यहाँ पे लेके आनी चाहिए? वो लोग एक सिस्टम से चलते हैं, कुछ उनके जर्नलिज्म के संस्थान हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो इसलिए आप उनसे टक्कर ले सकते हैं। जैसे CNN और राष्ट्रपति के बीच में, अभी तक यहाँ CNN हिंदुस्तान होता तो बंद हो चुका होता, वो सारे एंकर निकाल दिए गए होते, कुछ एंकर को भीड़ पीट चुकी होती, लेकिन आप देखिए कि उस देश में तमाम ऐसी दिक्कतों के बाद भी प्रेसिडेंट अपनी बात कर रहे हैं, CNN पे अटैक करते हैं और CNN अपने उसी रफ्तार से चल रहा है। ये चीज़ हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि आपको फर्जी केस में रेड डलवा दो, ये करा दो और बदनाम करा दो और ख़त्म कर दो, ये सब हिंदुस्तान में बहुत आसानी से हो सकता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि सिस्टम नहीं है इधर, तो अगर वो हम पहुँचे, अगर हमारा सिस्टम जो है वो किसी पॉलिटिकल रिजीम से अलग हो जाए कि नहीं आपने अगर गलती की है तो सज़ा के हिसाब से, गलती के हिसाब से सज़ा मिलेगी ना कि भीड़ के हिसाब से, तो बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। तो अब लोगों का कॉन्फिडेंस तो मुझे नहीं, सरकार की तरफ हो के आप बोलते रहिए सब ठीक है, उधर से देखिए तो सब ठीक है। मेरे मुझे पता है वक्त बस, काफ़ी मैं ले चुका हूँ, बस मेरे दो तीन आखिर में सवाल हो रहे हैं। एक मेरा सवाल है सच्चाई को लेके, जब हमारी फ़ोन पे भी बात हुई तो रवीश कुमार हमेशा डट के बोलते हैं, जो कि मैं, मेरा ये मानना है कि जो मेरे जैसे जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है। कभी डर नहीं लगता घर से दफ्तर आने में या वापस जाने में या कहीं और भी जाने में, जो मतलब जो भीड़ अभी जैसी भीड़ है? देखिए वो तो एक सिपाही भी आके हिंदुस्तान में मार सकता है, वो आपके कनाडा में नहीं मार सकता है, अमेरिका में नहीं मार सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में मार सकता है। और अब वही जो कनाडा में रहने वाले लोग हैं, जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, जो मोदी करते हैं, वो कहेंगे बड़ा अच्छा किया उसको दरोगा फर्जी फंसा दिया, तो और वहाँ जाने पर बताते नहीं जी यहाँ के शेरी आता है, पुलिस आती है, एकदम तमीज़ से बात करती है, सारा बात करती है ना। तो मैं ये बाहर रहने वालों की भी वो पकड़ रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ धीरे धीरे, अभी जाना शुरू किया हूँ बाहर तो, लेकिन डर कभी कभी लगता है, हम इंसान हैं, हर इंसान को डर लगना चाहिए, ऊपर वाले से भी, अपने ज़मीर से भी, कि कहीं गलती ना हो जाए। और ख़ासकर इस देश में जहाँ कोई सिस्टम ढंग का नहीं है जस्टिस का, बहुत मुमकिन है कि जहाँ आप एक लाइसेंस ढंग से अपने पूरे प्रोसेस से नहीं बनता है, बहुत मुश्किल है, संभव है कि आप गलतियाँ कर जाएं। तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है ईमानदार होने के लिए, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। जो आपने मुझे एक एग्जांपल दी थी, वो जो क्रिकेट की एग्जांपल, हाँ, तो वो आपको टिक कर खेलते रहना पड़ता है कि देर तक आप आउट ना हों और हर गेंद को आप नाप के खेलें और गलती ना करें कम से कम। तो वो अगर आप क्लीन हैं तो फिर ऊपर वाले के पास जाने में क्या डरना है, ठीक है? आप उसके साथ कम से कम नज़र झुका के तो नहीं खड़े होंगे, आप कह सकते हैं कि जो भी परिस्थितियां मिली मैंने उसका बेस्ट सामना किया। 1996 में रवीश कुमार इस चैनल के साथ जुड़े, चिट्ठियां वो देखा करते थे, वहां से लेके जो इतना बड़ा ऑनर आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो मिला, वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए एक चीज़, हाँ ज़रूर, मैं चिट्ठी छांटता था और 50 रुपया, फिर 150 रुपया मिलता था, 150 रुपया डेली पे काम करता था। अच्छा। और हाँ, बोरी में चिट्ठियाँ आती थी, मैं सबको चिट्ठी ले, फैन मेल होते थे न्यूज़ एंकर के, वो मैं देता था। लेकिन इसको एक बात समझना चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री कहानी बेच गए ना कि मैं चाय बेचता था, तो चल गया चूँकि मीडिया ने कहानी बेच दी, तो लेकिन मैं इसमें दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे गरीब देश में बहुतों ने ऐसे संघर्ष किए हैं, एक से एक कहानियाँ हैं। बिल्कुल। बाहर जाके कोई फुटपाथ पर सोया होगा, हफ्तों नहीं खाया होगा, महीनों रोया होगा अपनों के लिए, है ना, फिर वो मेहनत किया होगा। तो मेरा संघर्ष कोई एक्सक्लूसिव संघर्ष नहीं है, सबने, करोड़ों लोगों ने इस तरह के, जहाँ अपॉर्चुनिटी का कोई सिस्टम नहीं है, है ना, तो और इतना इनजस्टिस है सोसाइटी में, देखिए कास्ट को लेकर कितना इनजस्टिस है, सब तरह की चीज़ों को, तो वहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं कि आप संघर्ष करते हैं, है ना, मतलब आप संघर्ष नहीं करते हैं ये बड़ी बात है, है ना, बहुत बड़ी बात है, तो इस देश में ये कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसलिए ठीक है कि वो चाय वाला आप, हालांकि अब नहीं कहते हैं, लोग पूछना शुरू कर दिया कि ये कहानी सच्ची है कि नहीं कहानी है, वो तो ये भी कहानी सुना देने लगे कि बाल नरेंद्र में कि मगरमच्छ पकड़ लाए थे, कुछ भी कहानी, और अपनी डिग्री तो बताते नहीं, है ना, कि सही है कि नहीं है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या है नहीं है। उनकी एक और मंत्री है जिनकी डिग्री का आज तक पता नहीं चला, कभी RTI चला, कभी कोर्ट केस हुआ, वो ठीक है, झूठ एक दिन भारी पड़ जाता है आपके ज़मीन पर,
और जब नेता झूठ बोलता है ना तो मुल्क के जमीर पे भारी पड़ जाता है। लेकिन अभी तो देश का रखिएगा, देश का प्राइम मिनिस्टर अभी एक बहुत बड़े शो पर भी फीचर होने वाला है। हाँ हाँ, वो कुछ कर रहे थे वो। वो मतलब बहुत बड़ा शो है कि देश के प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए। टीवी में रहते हैं, उनको टीवी में पसंद है, वो कभी आम कोई इस तरह नहीं, कोई जर्नलिस्ट पसंद नहीं है तो एक्टर बुला के इंटरव्यू कराने लगते हैं, कल को वो कुछ और कर सकते हैं। वो पता कर रहे होंगे कि और कौन ऑस्ट्रेलिया में कौन सा एंकर कुछ अजीब अजीब तरह का काम करता है जिसके साथ इंटरव्यू किया जाए तो उस तरह के एज ग्रुप में हम पॉपुलर हो सकते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं। इसको मार्केटिंग और सेल्फ प्रमोशन के तौर से सोचते हैं, इस एज ग्रुप में अभी पॉपुलर होना है, इस वो एज ग्रुप में पॉपुलर होना, अपना सामान बेचना। हाँ, वो ठीक है, वो करते हैं, नेता है, नेता को करना चाहिए ये सब काम, लेकिन ये काम थोड़ा ज्यादा है मेरे हिसाब से। कैसी किताबें पढ़ना पसंद है रवीश कुमार को? सीरियस किताबें पढ़ता हूँ, हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स को समझने की। आजकल टेक्नोलॉजी के कारण डेमोक्रेसी को ख़त्म करना बहुत आसान है, और डेमोक्रेसी कोई ऊपर का डब्बा नहीं है। डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे जी, है ना। तो मैं समझना शुरू कर रहा हूँ, अमेरिका में 1984 जॉर्ज ऑरवेल की किताब है जो मैं चाहता हूँ कि हर कोई जिसे अंग्रेज़ी आती है उसको पढ़े। 1984 को गीता की तरह पढ़े, उसको अंडरलाइन कर करके 50 बार पढ़े, आपको सारा खेल, मीडिया का प्रोपेगेंडा सब समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से हाउ डेमोक्रेसी डाइज, इस तरह की किताबें हैं तो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। टेलीविज़न के ज़रिए जो एनालिसिस है वो पढ़ना पसंद करता हूँ। कुछ जीवनियों में मेरी उतनी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सरदार पटेल की जीवनी पढ़ी है जो राजमोहन गांधी ने लिखी, तभी मैंने वो झूठ पकड़ लिया जब अमित शाह ने कहा था कि सरदार पटेल इसमें शामिल नहीं थे 370 में जी। तो पेज नंबर 439 पे वो बात, वो वाक्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसीलिए मैं कह रहा था कि आप पार्लियामेंट में इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, सत्य के आधार पर फैसला लो, पढ़ो देखो जांचो, झूठ मत बोलो पार्लियामेंट में। वो झूठ इसलिए सच नहीं हो जाएगा कि अपोजिशन के, आपसे डरे हुए अपोजिशन के लोग कुछ वहां पर भाषण नहीं दे पाए। झूठ मत बोलो, झूठ मुल्क के जमीर पे बोझ बन जाता है, है ना, याद रखिएगा इसको। आंधियां अपना रास्ता बदलती हैं दोस्त, वो लौट कर आती हैं कभी कभी, और वो आएंगी, नहीं आएंगी तो हम मान लेंगे कुदरत ही बदल गया, तो क्या करें जब ऊपर वाला ही बदल जाए तो फिर हमारे हाथ में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम के लिए, और एक बार फिर से आपको बधाई। मैं बधाई सिर्फ अवार्ड की नहीं दूंगा, एक बात की जरूर बधाई है कि आप एक जैसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है, आप खड़े हुए। नहीं, लोगों को आना चाहिए, मैं अकेला कब तक खड़ा रहूंगा, आप सब आइए। और उन सारे पत्रकार को, कुछ महिला पत्रकार हैं, वो लोग बहुत मेहनत कर रही हैं उसको टिके रहने के लिए, और भी जर्नलिस्ट हैं जो इसी तरह के मुश्किल हालात में संघर्ष कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब उनको मजबूत करें, खुद को भी आप मजबूत करें, अपने साथियों को। ये हम बहुत मुश्किल लड़ाई के दौर में चले गए हैं जहाँ मीडिया का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, और जब मीडिया का भविष्य अच्छा नहीं है तो नागरिक का भविष्य अच्छा नहीं है जी, बिल्कुल ये है। तो यही मैं बातें कहता हूँ तो उन्हें लगता है कि जय जयकारा क्यों नहीं करता है, क्यों करूँगा जय जयकारा, अच्छा होगा तो करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेरी ग्रेटफुल, धन्यवाद आपके सभी दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों का, बहुत शुक्रिया आपका, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करता हूं। थैंक यू सर। एंड वन एंड ओनली रवीश कुमार, आई मस्ट एक्चुअली से व्हाट अ ग्रेट ऑनर, फैंटास्टिक ह्यूमन, और सच्चाई पे चल रहे हैं। और वाकई क्योंकि जो भी आप, जब एक बिल्डिंग आप बनाते हैं ना, कोई भी आप बिल्डिंग आप तैयार करते हैं, तो उसकी जो नींव होती है, जो उसका जो बेस होता है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें जितना भी आप अच्छा एक बेस डालेंगे, उतनी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ी कर पाएंगे। और शायद हमारे देश को ये ज़रूरत है, और यहाँ पर इस देश में अगर हम बात करें उस बेस की, तो वो बहुत बड़ा बेस हमारे मीडिया का है। जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जिनका शायद मन कर रहा होगा कि थोड़ी बहुत गालियाँ निकाल लें या थोड़ी बहुत भड़ास निकाल लें, निकाल लें, लेकिन जैसे रवीश ने कहा कि चीज़ों को पढ़ें, देखें, समझें, ये नहीं कि किसी ने कुछ भी डाल दिया। और दूसरे नंबर पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया जो है उससे काफ़ी हद तक बचें भी। कोई भी हमें एक वॉइस नोट आता है, हमें कोई भी चीज़ आती है, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बिना देखे हुए, बिना हम उसको जांचे परखे हुए। और बहुत बार पुराना वीडियो जो 2 साल पहले कोई चीज़ हुई होती है, हम उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं। हम देखते भी नहीं है कि यह कांड कहाँ पर हुआ है, हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो जो रवीश जी ने जो बात की है, मेरे ख्याल उस बात को समझने की ज़रूरत है, उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है।
और यहीं न्यूज़ नंबर पे हम आपके साथ आपका सहयोग भी चाहते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं. तो कीप ऑन सपोर्टिंग अस, कीप ऑन सपोर्टिंग गुड मीडिया, ट्रू मीडिया, द ट्रूथ एंड ओनली द ट्रूथ. एंड वंस अगेन न्यूज़ नंबर के सभी दर्शकों को, पाठकों को, आप सबको उपेंद्र रंधावा की तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच. और एक बार फिर सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड गुड बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम. थैंक यू वेरी मच.